अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास के इंग्लिश का रिव्यू नंबर 3 पढ़ेंगे। और ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 9th क्लास के इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन में 19 में से 19 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आप इन तीनों रिव्यूज़ की मारूजी अच्छे तरीके से इन वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए सीख लें, अंडरस्टैंड कर लें। और प्लस ये कि इन तीन वीडियो लेक्चर्स के अलावा भी जो इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, मैं वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप बड़ी मेहरबानी वो भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और वॉच कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं और पहला जो MCQ है वो देखते हैं। The opposite of satisfied, opposite आपको पता है किसे कहते हैं? एंटोनिम को। और satisfied का मतलब क्या होता है? मुतमाइन। और satisfied का अपोजिट उलट क्या है? अनसेटिस्फाइड। ये आपने याद रखना है, satisfied का मतलब होता है मुतमाइन और अनसेटिस्फाइड का मतलब होता है गैर मुतमाइन, और डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है किसी बात पर रंजीदा हो जाना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अनसेटिस्फाइड गैर मुतमाइन, सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग, कन्वोल्यूशंस, कन्वोल्यूशंस भंवर लपेटने का अमर, कन्वोल्यूशन CONVOLUTIONS, 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 ये ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज ग्रेजुअली। सेम एज मतलब ग्रेजुअली जैसा, मतलब किसका है इन चारों में से, ये वो पूछना चाह रहा है। ग्रेजुअली का मतलब होता है तदरीजन, बकायदगी से, आस्ता आस्ता से, दर्जा बदर्जा। तो क्विकली नहीं, जल्दी, इसका मतलब होता है स्पीडली, जल्दी को कहते हैं, हर्विडली जल्दी को कहते हैं। एक ही वर्ड बचता है जिसका मतलब होता है तदरीजन, आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बदर्जा, ठीक है, बकायदगी से। स्टेडिली, क्या स्टेडिली, वो जैसे एक प्रोवर्ब भी इंग्लिश, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन, डज नॉट मीन का मतलब यहां बन रहा है जिसका मतलब नहीं होता, द सेम एज मैनीफोल्ड, ऐसा जैसे कि मैनीफोल्ड का मतलब है, मतलब यहां पर हमने मैनीफोल्ड जो वर्ड है इसका एंटोनिम बताना है, इसका अपोजिट बताना है, ठीक है, इसका मुतजाद बताना है, उलट बताना। तो मैनीफोल्ड का मतलब क्या होता है? तरह तरह का, ठीक है, और इसका उलट अब क्या होगा? या आप मैनीफोल्ड का कह सकते हैं कई, बहुत सारे, ठीक है। और नीचे कौन सा वर्ड है जिसका मतलब बहुत सारे के उलट होगा? एक साइड पे है बहुत सारे, तो दूसरी साइड पे क्या होगा? कम, थोड़े, ठीक है। तो कौन सा वर्ड है? वो है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है थोड़े, चंद, समझ आ गई? मैनी फोल्ड, बहुत सारे, कई, ठीक है, ये इसका मतलब है, और फ्यू का मतलब है चंद। नेक्स्ट है जी, ग्रामर के परस्पेक्टिव से MCQ है। द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड, The teacher said to us work hard. आपने एक बात ज़हन निशीन रखनी है कि जब भी टीचर के परस्पेक्टिव से कोई क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो आपने जब उसे चेंज करना है तो उसमें जो टीचर का said to होता है उसे हम एडवाइस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? एडवाइस में। ये सेड टू को हम किस में बदल देंगे? एडवाइस में, ठीक है, क्योंकि टीचर अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करता है। ये आपने उसूल जेन में रख लेना है, जब टीचर शुरू पे बतौर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और उसके साथ जो सेड टू होगा उसे हम एडवाइज्ड, एडवाइस में चेंज कर देंगे, ठीक है। The teacher advised us to work hard. ये सेंटेंस बन जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 है। सेट टू को हम किस में बदल देंगे? एडवाइस के साथ। ये आपने याद रखना है, जब भी टीचर का वर्ड आ जाएगा तो उसके साथ सेट टू को हम एडवाइस में बदल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेज, फ्रेज इन में से कौन सी है? दैट्स एल में से फ्रेज कौन सी है?
फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होती है अधूरा जुमला, ना मुकम्मल जुमला, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मतलब कन्वे ना करे, जो जिसका मुकम्मल मतलब समझ में ना आए, सॉरी समझ में ना आए ये नहीं होता, बल्कि वो कन्वे ना करे मुकम्मल मतलब। जैसे जी आप देखते हैं, इट इज ऑफ नो यूज, इसका कोई इसका मतलब ये बेकार है, ये किसी फायदे का नहीं है, तो मुकम्मल मतलब समझ आ रहा है। ही इज वेल, वो अच्छा है, ठीक है, तो ये भी समझ आ रही है। तीसरा देखते हैं, इन एन अनवाइज मैनर, गैर दानिश मंदाना, गैर दानिशमंद तरीके से, और तरीके से, अब देखे इसमें कोई आगे फर्दर चीज नहीं है, गैर दानिशमंदाना तरीके से उसने मतलब क्रिकेट खेली, उसने फैसला किया, उसने जनाब घर पर बात कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है, इन एन अनवाइज मैनर, मतलब कोई जुमला कंप्लीट नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, फ्रेज होगी। और चौथा भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको उर्दू मीनिंग तो एटलीस्ट आ जाए, ओवर देयर हैंग्स द ग्रेट डार्क बेल, ओवर देयर हैंग्स, हालांकि जुमला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन है एक कंप्लीट जुमला और पूरा मफहूम दे रहा है कि वहां पर क्या लटकती है, क्या लटकी हुई है, ग्रेट डार्क बेल, एक सयाह रंग की या तारीख रंग की एक बहुत बड़ी घंटी या घड़ियाल वहां पर लटका हुआ है, तो पूरी खबर समझ में आ रही है, पूरा जुमला समझ में आ रहा है, तो इट मींस ये तीन के तीन सेंटेंस हैं, और ये जो सी ऑप्शन है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, और इनकम्प्लीट सेंटेंस को हम कहते हैं फ्रेज। जी तो स्टूडेंट समझ आ गई है, नेक्स्ट चलते हैं। बिसाइड द अनगैदर्ड, ये तीन अल्फाज अंडरलाइंड हैं, ठीक है, राइस ही ले, द अंडरलाइन फ्रेज इज आ स्लैश एन, जो अंडरलाइन फ्रेज है वो क्या है, वो कौन सी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, प्रपोजिशन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, क्या है? तो मैंने आपको पिछले रिव्यू नंबर 2 में भी बताया था कि जिस फ्रेज के शुरू में प्रपोजिशन आ जाए, एट, ऑन, ओवर, बिसाइड, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन फ्रेज। बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले, तो बिसाइड शुरू में आ गया, ठीक है, इस फ्रेज के, तो इसे हम कहते हैं प्रपोजिशन फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं, ही लेड अ लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्लेम, तो तीन अल्फाज अंडरलाइन है, डिवॉइड ऑफ ब्लेम, ब्लेम किसे कहते हैं, इल्जाम को, और डिवॉइड ऑफ कहते हैं महरूम को, खाली होना, के बगैर होना, तो उसने एक ऐसी जिंदगी गुजारी जो इल्जाम से महरूम थी, मतलब बगैर इल्जाम के उसने जिंदगी गुजारी। तो वो पूछना चाह रहा है कि ये जो तीन अल्फाज हैं, दी अंडरलाइन फ्रेज इज आ स्लैश एन, ये जो अंडरलाइन फ्रेज है ये क्या है, ये जो अंडरलाइन फ्रेज है ये क्या है, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या प्रपोजिशन फ्रेज है। तो डियर स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि अगर कोई लफ्ज किसी की खूबी या खामी बयान करे, किसी नाउन की या प्रोनाउन की, नाउन की या प्रोनाउन की खूबी या खामी बयान करे, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव, अगर एक लफ्ज हो, और अगर एक से ज्यादा अल्फाज मिलकर किसी नाउन की, नाउन की इसम की, ठीक है, या प्रोनाउन की, इसमें ज़मीर की खूबी या खामी बयान करें या उसके माना में इजाफा पैदा करें, तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो आप देखें, लाइफ क्या है, लाइफ एक नाउन है, जिंदगी एक एक जिंदगी नाम है ना, ठीक है, तो जिंदगी उसने कैसे गुजारी, इसके माना में इजाफा कर रहा है, डिवाइड ऑफ ब्लेम, इल्जाम से आरी, मतलब ऐसी जिंदगी जिसमें इल्जाम नहीं था, इल्जाम से महरूम जिंदगी उसने गुजारी, ठीक है जी। तो लाइफ के माना में इजाफा कर रहे हैं ये तीन अल्फाज, तो ये होंगे एडजेक्टिव फ्रेज, क्या होंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, क्या होंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देखते हैं, The moment which is lost forever, the underlined word is a slash n. Which को उसने underline किया और which के बारे में पूछ रहा है। एक बात आप ज़े नशीन रख लें, ये तीन चार पाँच मैं प्रोनाउंस बोलने लगा हूँ, अल्फाज बोलने लगा हूँ, इन्हें आपने याद रख लेना, और आप ने ये जहन में रखना है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, relative pronoun, क्या कहते हैं, relative pronoun, ये underline है ना, कौन सा, विच, कौन सा प्रोनाउन है,
विच। जी तो डियर स्टूडेंट्स, दैट, अगर दैट जुमले के दरमियान में आ जाए, हु जुमले के दरमियान में आ जाए, हुज आ जाए, विच आ जाए, ये अगर अल्फाज जुमले के दरमियान में आ जाए, देखे हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये पांच छह अल्फाज हैं, ये अगर जुमले के दरमियान में आ जाए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बनती है, रिलेटिव प्रोनाउन बनती है। द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, वो लम्हा जो गुजर गया सो गुजर गया, ठीक है। तो विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं, हु, हुज, हुम, हु और दैट और विच, ये जब भी जुमले के दरमियान में आ जाएं, जुमले के दरमियान में अल्फाज आ जाएं तो ये कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डोंट यू गो अलोंग, अलोंग, आपने एक चीज याद रखनी है, गो अलोंग विद आता होता है, गो अलोंग विद आता होता है, या आप इतना ये ज़ेहन नशीन कर लें कि अलोंग के साथ जो प्रपोजिशन आएगी वो विद आएगी, अलोंग विद, अलोंग विद। और आप किसी हद तक ये कह भी सकते हैं कि अलोंग विद एक कंपाउंड प्रपोजिशन भी है, अलोंग विद क्या है, एक कंपाउंड प्रपोजिशन है, और आपने कंपाउंड को कंप्लीट करना है तो जारी बात है उसके साथ उसका दूसरा हिस्सा ही आएगा ना, जैसे एक आंख इधर है और एक आंख इधर है, ठीक है, एक आंख पे हाथ रख लिया जाए तो दूसरा क्या होगा, दूसरी भी आंख ही होगी। तो इसी तरह अलोंग एक आंख है और दूसरी इसके साथ आंख कौन सी होती है, विद, आपने ये याद रखना, अलोंग विद, ठीक है जी, विद योर ब्रदर, आप अपने भाई के साथ क्यों नहीं जाते। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज लेवाइड मोर टैक्सेस, यहां तक एक स्टेटमेंट है, यहां पर तस्वीर का एक रुख है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने मजीद जो टैक्सेस हैं वो आयद कर दिए हैं, लेकिन अब तस्वीर का दूसरा जो रुख है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कंट्रास्ट है, उसमें मुखालिफ है इस पहली स्टेटमेंट के, तो उसके हवाले से हमने कंजंक्शन कौन सा लगाना है, जब दो बातें एक दूसरे के खिलाफ हों, एक दूसरे की जिद हो, तो फिर हम जो कंजंक्शन लगाते हैं वो बट लगाते हैं। पहले दूसरे सेंटेंस का क्लॉज का तर्जमा पढ़ लें, दी सैलरी स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन इम्प्रूव्ड, गवर्नमेंट ने एक तरफ टैक्स तो लगा दिए हैं और दूसरा जुमला क्या है, जो सर जो तनख्वाहों का जो एक ढांचा है उसे बेहतर नहीं बनाया गया, तो दोनों मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन को या कंट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश सेंटेंस में हम बट लगाते हैं, ये कंजंक्शन होता है, ठीक है, ये कंजंक्शन होता है, बट ये किसको, कंट्रास्ट को, एक साइड पे टैक्स लगा रहे हैं तो दूसरी साइड पे तनख्वाहें भी नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक दूसरे के मुखालिफ स्टेटमेंट्स हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, बट आज तो मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि मैं भी शायद वो चौधरी शुजात बन रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं, दैट वॉज द रीजन वाई ही केम लेट, अब अंडरलाइन है वाई ही केम लेट, अब अंडरलाइन वर्ड फ्रेज के हवाले से, वो क्लॉज के हवाले से वो क्या पूछ रहे हैं, द अंडरलाइन क्लॉज इज आ स्लैश एन, तो ये क्या है, वाई ही केम लेट, वाई अगर जुमले में आ जाए, वाई ही केम लेट, तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखना है कि जो क्लॉज है अगर वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रही है, जैसा कि वाई है, दो है, सिंस है, वेन है, एज है, अनलेस है, तो वो क्लॉज जो होगी, अगर मतलब कोई क्लॉज सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से किसी एक कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही है, तो उस क्लॉज को हम कहेंगे एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज हम उसे कहेंगे, तो ये क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, he came when night had fallen, the underlined clause is an adverb clause of, अब देखें when night had fallen, when, तो ये कौन सी adverb clause है, condition है, place है, time है या reason है, तो इसके इसमें आपने ये चीज़ से नशीन रखनी है कि when जो होता है
इसके आंसर में टाइम आता है। फॉर एग्जांपल मैं आप अगर कोई क्वेश्चन करूं टाइम के हवाले तो मैं कहूंगा व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए, और व्हेन आर यू कमिंग टू आवर होम, आप हमारे घर कब आ रहे हैं, व्हेन 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 डिड यू कॉल मी, आपने मुझे कब कॉल की, व्हेन डिड यू गेट him from the bazaar, आपने उसे बाजार से कब लिया। तो when के answer में जो भी adverb आएगा आपने कहना है कि ये adverb of time है, ये adverb clause of time है, क्योंकि when जब भी आएगा तो आपने ये जेन निशीन रखना है कि वो उसका answer time के related होगा, तो time। अब next देखते हैं, they can stay where they are, where, where are you, आप कहाँ हैं, तो where के जवाब में जोन सी चीज़ आएगी वो होती है place, जगह, where are you, where did you hide your money, आपने अपना पैसा कहाँ पर छुपाया, वगैरह वगैरह, तो वो यही पूछ रहा है, the underlying clause is an adverb clause of place, where के जवाब में क्या आता है, place, तो ये कौन सी clause हो गई, place। next देखते हैं, I am glad that you like it, That आता है reason के लिए, तो ये कौन सी adverb clause हुई, ये reason की हुई, वजह की हुई, ये आपने लाजमी से नशीन रखने adverb की जो different types हैं, adverb clause of reason, adverb clause of manner, adverb clause of time, adverb clause of place, तो ये आपने याद रखनी है। next देखते हैं, if I were you I would not do that, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा ना करता, मतलब ये जो ख़ास प्योर इमेजिनेटिव तखयलाती जुमले होते हैं, तखयलाती आप कह सकते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं, वो कंडीशनल टाइप टू में आते हैं, मतलब अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो मैं जनाब पॉलिटिशंस के लिए मास्टर्स लेवल की जो क्वालिफिकेशन है वो लाजमी करार दे देता, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो प्योर इमेजिनेटिव होती हैं, जो आपने कभी की नहीं होती, जिनसे आप कभी गुजरे नहीं होते, और आपका जस्ट क्या होता है, आपका वहम होता है, गुमान होता है, आपकी ख्वाहिश होती है कि काश ऐसा ऐसा हो जाए। तो इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट, आपने ये बात ये नशीन रखनी है कि पहले हिस्से में आई वर आता है, ठीक है, और दूसरे हिस्से में वुड नॉट के बाद या वुड के बाद पहली फॉर्म, ठीक है, वुड के बाद पहली फॉर्म। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो लेक्चर जो MCQs के पर्सपेक्टिव से था और आप के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, अगर आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन में 19 मार्क्स लेना चाहते हैं। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे डियर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने मारूजी में 19 में से 19 मार्क्स लेने हैं तो फर्दर जो मेरे गेस्ट की वीडियोस होंगी मारूजी के पर्सपेक्टिव से, वो भी आपने लाजमी अच्छे तरीके से फुल फोकस्ड होके आपने वॉच करनी और अंडरस्टैंड करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।